संयुक्त व्यापार मंडल गोरखपुर के तत्वावधान में नव नियुक्त पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह बर्डघाट स्थित रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। नव नियुक्त पदाधिकारी को सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे भी मौजूद रहे। गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन राप्ती कॉम्प्लेक्स खाता व्यापार मंडल पूर्वांचल सुनार समिति एवं बिस्कुट मर्चेंट गोरखपुर सत्या पांडे जी पूर्व मेयर और अपने यथा पूर्व मेयर सत्या पांडे जी बहन सत्या पांडे से निवेदन है आज के हमारे मुख्यमंत्री प्रमुख अतिथि लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में दवा विक्रेता संघ के वर्तमान उस संदर्भ में हम वहां थे। हमको आने में देरी होगी, विलंब उसके लिए मैं सभी व्यापारी मंडल के नए जो आज अधिकारी पदाधिकारी अपना शपथ ले रहे उनसे और आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मीडिया वालों, तो आप लोग तैयार हैं? चलिए हाथ आप लोग एक हाथ राइट वाला उठा लें और हाँ ऐसे सामने की तरफ। हाँ मैं साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठा से संगठन द्वारा स्थापित समस्तकरण से निर्वहन करूँगा। मैं अपना नाम संयुक्त व्यापार मंडल के रूप में व्यापारी उद्यमी जगत के साथ साथ आम जनता की समस्याओं को निस्तारित करने का पूर्ण रूपेण प्रयास करूंगा अपने संगठन के संकल्पों भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने एवं नैतिक मूल्यों की पूर्ण स्थापना के लिए अपना जीवन तक समर्पित करने के लिए तैयार हूं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता ने बताया। जो संयुक्त व्यापार मंडल का गठन हुआ है इसी बीच में समस्त जितनी भी जिम्मेदारियां दी गई हैं वो सारे लोगों का शपथ ग्रहण समारोह है। 2010 में संयुक्त व्यापार मंडल का जो गठन हुआ था तभी से यह निष्क्रिय रहा और सारे लोगों में यह नाराजगी रही। इस नाते हमने निर्णय लिया और पूर्व संयोजक सीताराम जायसवाल जी ने स्वयं इस बात को 4 महीने से लगातार ये कहा कि आप अपनी एक टीम बना लीजिए और अपने इस संगठन को आगे बढ़ाइए। मैंने यहाँ अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व यह मैंने संगठन को जो है एक मीटिंग कॉल करके घोषित किया है और सभी लोग सर्वसम्मत से जो है नियुक्त हुए हैं। निश्चित रूप से जो है यह धार दिखेगी। जो कार्य आज तक नहीं हो रहा था उसका हम एक इतिहास बनाएंगे। शपथ में आज करीब 150 की संख्या